दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के 55वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी 8 जून 2020 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ आज वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली है, वहीं दूसरी तरफ IPL 2020 की स्टार्टिंग डेट पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और उसके अलावा भी 5-6 काफी बड़ी बड़ी खबरें क्रिकेट से जुड़ी हुई निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाई वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम नजर डालते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों पर। तो पहली खबर यहां पर निकल कर आ रही है ICC T20 वर्ल्ड कप 2020 को लेकर। जी हां, 10 जून को ICC की मीटिंग होने वाली है, जहां पर T20 वर्ल्ड कप 2020 की होस्टिंग पर हमें फाइनल डिसीजन ICC की तरफ से देखने को मिलने वाला है। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 28 मई को पिछली मीटिंग हुई थी ICC की, जहां पर यह डिसीजन लिया जाना था कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2020 को 2022 में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन प्रेशर में आकर ICC ने 28 मई को कोई डिसीजन नहीं लिया था और 10 जून तक उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया था और अब 10 जून को T20 वर्ल्ड कप 2020 पर ICC की तरफ से हमें फाइनल डिसीजन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंग्लैंड को लेकर। जी हां, आज 8 जून को वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर प्राइवेट प्लेन की मदद से वेस्ट इंडीज टीम इंग्लैंड पहुंचेगी। इंग्लैंड दौरे के लिए वेस्ट इंडीज टीम के पूरे स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसके बारे में हम पहले बातचीत कर चुके हैं। अब वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड जाने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में रहेगी और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेगी और 8 जुलाई से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है IPL 2020 को लेकर और कहीं ना कहीं IPL फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब BCCI की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट IPL 2020 की नई विंडो को लेकर निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि जुलाई मिड से अगस्त एंड तक इस डेढ़ महीने के बीच हमें IPL 2020 का आयोजन देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि किसी फॉरेन कंट्री में IPL 2020 को होस्ट किया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है सौरव गांगुली को लेकर। जी हां, भारतीय टीम के प्रो कप्तान सौरव गांगुली को ICC अध्यक्ष बनाने की बहस आजकल चल रही है। इस क्रम में अब दानिश कनेरिया का नाम भी जुड़ गया है। सौरव गांगुली को ICC अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में बोलते हुए दानिश कनेरिया ने कहा कि मैं अपने आजीवन बैन के खिलाफ फिर से अपील करूंगा। दक्षिण अफ्रीका के डायरेक्टर ग्रैम स्मिथ ने भी सौरव गांगुली को ICC अध्यक्ष बनाने का समर्थन किया था। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है विराट कोहली को लेकर और भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ दोस्ती को लेकर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने प्रतिक्रिया दी है। केन विलियमसन ने कहा है कि विराट कोहली का सफर और प्रगति देखकर मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। विराट कोहली के साथ अपनी दोस्ती के बारे में केन विलियमसन ने बयान दिया है। स्टार स्पोर्ट्स के शो में बातचीत करते विलियमसन को जब विराट कोहली के बारे में कुछ सवाल पूछे गए तो उन्होंने वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े जवाब दिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आरोन फिंच को लेकर। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवर कप्तान आरोन फिंच ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। फिंच ने कहा है कि विराट कोहली जब क्रिकेट से संन्यास लेंगे तो वनडे के ऑल टाइम श्रेष्ठ बल्लेबाज होंगे। विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के बारे में तुलना पर आरोन फिंच ने कुछ अहम बातें भी कही थी। पूरा इंटरव्यू आपको जल्द ही क्रिकेट इंडिया पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है आज 8 जून 2020 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.